वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डिस्कस करेंगे माइक्रोस्कोपिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइबर। इस लेक्चर के माध्यम से हम फाइबर की पहचान माइक्रोस्कोप से देख करके फाइबर की पहचान करेंगे, यानी फाइबर को देख करके फाइबर की पहचान। फाइबर को हम कैसे देखते हैं, फाइबर को लॉन्गिट्यूडनल यानी फाइबर को लंबाई में देखेंगे कि फाइबर हमारा लंबाई में कैसा दिखता है, और फाइबर का क्रॉस सेक्शन भी यानी फाइबर के जो है डायमीटर को कट करके हम देखेंगे कि फाइबर हमारा जो है क्रॉस सेक्शन व्यू में कैसा दिखता है। अलग अलग फाइबर हमारे अलग अलग मॉलिक्यूल से बने होते हैं, तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर भी अलग अलग फाइबर का जो है शेप मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। तो फाइबर का शेप जो है लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में और क्रॉस सेक्शनल व्यू में जो है अलग अलग दिखेगा। हर फाइबर अलग अलग तरीके का दिखता है, तो हम फाइबर को माइक्रोस्कोप के हेल्प से आसानी से हम पहचान सकते हैं कि हमारा कौन सा फाइबर है। माइक्रोस्कोप हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि खुली आंखों से हम फाइबर को नहीं देख सकते हैं, और माइक्रोस्कोप के माध्यम से हम कई टाइम्स मैग्नीफाई कर देते हैं फाइबर को, और मैग्नीफाई करके हम आसानी से बड़ा करके आसानी से हम फाइबर को देख सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। माइक्रोस्कोपिक टेस्ट, माइक्रोस्कोपिक टेस्ट, आप यहाँ पे जो है माइक्रोस्कोप देख रहे हैं। माइक्रोस्कोप जो है यहाँ पे सबसे पहले हम फाइबर का सैंपल प्रिपेयर कर लेते हैं। सैंपल कैसे प्रिपेयर करते हैं, हम स्लाइड लेते हैं, ग्लास की स्लाइड लेते हैं, और स्लाइड के ऊपर जो है ग्लिसरीन लगा देते हैं जिससे थोड़ा सा चिपचिपा हो जाता है, और उसके ऊपर जो हम फाइबर को, जिस फाइबर की टेस्टिंग करनी होती है, सपोज दैट कॉटन फाइबर है, तो कॉटन फाइबर को हम जो है एक फाइबर लेंगे, उसको लंबाई में हम स्ट्रेट जो है स्लाइड पे जो है उस पे रख देते हैं, और दूसरी स्लाइड से उसको कवर कर देते हैं, और उस स्लाइड को हम इस लेंस के बीच में, यहाँ पे जो है लेंस के बीच में हम फाइबर को स्लाइड को पुट करके और लेंस को फोकल लेंथ को एडजस्ट करके हम जो है फाइबर को क्लियरली देखते हैं कि फाइबर हमारा लंबाई के डायरेक्शन में कैसा दिखता है। उसी तरीके से हम जो है उसका क्रॉस सेक्शन देखने के लिए फाइबर को पाउडर शेप में हम फाइबर को कट कर लेते हैं, काफी बारीकी से उसको हम कट कर लेते हैं, और कट करके हम फाइबर को जो है जो पाउडर हमारा पाउडर फॉर्म में फाइबर है उसको स्प्रेड करके स्लाइड पे, और स्लाइड पे स्प्रेड करके उसको कवर करके हम स्लाइड को यहाँ पे पुट करके, और फिर हम माइक्रोस्कोप से जो है हम आसानी से उसको देखते हैं, और देख करके उस फाइबर की हम पहचान करते हैं कि वो फाइबर, जो फाइबर जिसको हम जानना चाहते हैं कि कौन सा फाइबर है, उसको हम देख करके आसानी से पहचान कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। माइक्रोस्कोपिक टेस्ट इज ए टेक्निकल टेस्ट दैट इन्वॉल्व आइडेंटिफाई द फैब्रिक विथ हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप विथ मैग्निफिकेशन ऑफ मिनिमम 100 पावर। कह रहे कि जो है माइक्रोस्कोपिक टेस्ट हमारा टेक्निकल टेस्ट है, जैसा कि हमने पहले के लेक्चर में बताया था कि हम दो टाइप के टेस्ट परफॉर्म करते हैं, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल टेस्ट। तो बर्निंग टेस्ट हमने पिछले लेक्चर में देखा, बर्निंग टेस्ट हम जो है बर्निंग टेस्ट नॉन टेक्निकल टेस्ट की कैटेगरी में आता है, और माइक्रोस्कोपिक टेस्ट जो है टेक्निकल टेस्ट की कैटेगरी में आता है, जो लैब में परफॉर्म होता है और इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से जो है परफॉर्म होता है, इसलिए हमारा ये टेक्निकल टेस्ट है। तो हम माइक्रोस्कोप के हेल्प से जो है मटेरियल को, फाइबर मटेरियल को जो है कई टाइम्स मैग्नीफाई करके और उसको लेंथ वाइज और क्रॉस सेक्शन वाइज व्यू को हम देखते हैं और फाइबर की पहचान करते हैं। द टेस्ट कैन इजिली डिस्टिंग्विश बिटवीन फाइबर, और इस टेस्ट के माध्यम से हम फाइबर को आसानी से जो है अलग कर सकते हैं कौन सा फाइबर है। द टेस्ट आइडेंटिफाई द नेचुरल फाइबर मोर इजिली एज कंपेयर टू मैन मेड वंस। कह रहे कि इस टेस्ट के माध्यम से टेस्ट आइडेंटिफाई नेचुरल फाइबर, नेचुरल फाइबर को इस टेस्ट के माध्यम से आसानी से पहचाना जा सकता है, कंपेयर टू मैन मेड फाइबर के कंपेयर में हम नेचुरल फाइबर को आसानी से पहचान सकते हैं। सिंथेटिक फाइबर आर वेरी सिमिलर इन अपीयरेंस एंड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ वेराइटीज। हमारे जो सिंथेटिक फाइबर है वो काफी सिमिलर होते हैं एक दूसरे से, इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्टी होता है इस माइक्रोस्कोप के माध्यम से उनको आइडेंटिफाई करना। मेक्स इट ए लिटिल टफ टू डिस्टिंग्विश द फाइबर इवन अंडर ए माइक्रोस्कोप। थोड़ा सा जो है डिफिकल्ट होता है इस माइक्रोस्कोप के हेल्प से फाइबर को, अलग अलग फाइबर को पहचानना। तो हम यहाँ पे जो है फाइबर को की शुरुआत करते हैं, फाइबर की माइक्रोस्कोप के हेल्प से जो है टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम नेचुरल फाइबर को देख रहे हैं, नेचुरल फाइबर, वेजिटेबल फाइबर
को हम लेते हैं और उसकी जो है टेस्टिंग करते हैं। हम फाइबर का व्यू देखेंगे, व्यू में हम फाइबर को जो है लॉन्गिट्यूडनल लंबाई के डायरेक्शन में देखेंगे कि लंबाई में हमारा फाइबर कैसा दिखता है। क्रॉस सेक्शनल व्यू, फाइबर को हमने जैसे बताया कि पाउडर शेप में कट कर लेते हैं और फाइबर को उसका क्रॉस सेक्शन व्यू देखते हैं कि फाइबर हमारा क्रॉस सेक्शनल, फाइबर का क्रॉस सेक्शनल व्यू कैसा दिखता है। तो हम फाइबर को जो है उसके लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में देख करके और उसके क्रॉस सेक्शनल डायरेक्शन में देख करके फाइबर की पहचान करते हैं कि ये फाइबर हमारा कौन सा फाइबर हो सकता है और कौन सा फाइबर है। तो यहाँ पे अलग अलग फाइबर का लॉन्गिट्यूडनल और क्रॉस सेक्शनल व्यू अलग अलग दिखेगा। हम यहाँ माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखेंगे तो ये लॉन्गिट्यूडनल व्यू दिखेगा और एक क्रॉस सेक्शनल व्यू दिखेगा। डिस्क्रिप्शन में जो है हम अगर हम इस लॉन्गिट्यूडनल व्यू के डिस्क्रिप्शन को बताएंगे कि ये फाइबर लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, लंबाई के डायरेक्शन में कैसा दिखता है। और यहाँ क्रॉस सेक्शनल व्यू का जो है हम बताएंगे, डिस्क्रिप्शन बताएंगे कि क्रॉस सेक्शन व्यू इसका फाइबर का कैसा दिखता है, कैसा अपीयर होता है जब हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं। तो आइए देखते हैं कॉटन फाइबर का जो है माइक्रोस्कोपिकल टेस्ट। लॉन्गिट्यूडनल व्यू हम देखते हैं तो कॉटन, आप जैसा जानते हैं कॉटन जो है मैच्योरिटी जो है कॉटन की अलग अलग होती है। कॉटन फाइबर में कुछ मैच्योर फाइबर होते हैं, कुछ सेमी मैच्योर होते हैं, कुछ डेड फाइबर होते हैं। तो उस कंडीशन में अलग फाइबर जो है नेचुरल फाइबर है, फाइबर अलग अलग तरीके के मिल रहा है। तो यहाँ थोड़ा सा शेप भी, फाइबर का शेप भी मैच्योर फाइबर थोड़ा अलग दिखेगा, इफेक्ट उसका ज़्यादा रहेगा और सेमी मैच्योर का इफेक्ट कम रहेगा और डेड का मैच्योर बिल्कुल जो है अपीयर जो है लेस रहेगा। तो इस तरीके से हम कॉटन फाइबर का डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल व्यू हमारा कॉटन फाइबर का कैसा दिखता है। मैच्योर जो है मैच्योर फाइबर के बारे में बात कर रही है कॉटन की। मैच्योर फ्लैट एंड रिबन लाइक जो है फाइबर हमारा कैसा दिखता है, रिबन लाइक ट्विस्टेड रिबन। रिबन आप देखे हैं, फीता देखे हैं, अगर फीते को ट्विस्ट कर दिया जाए तो उसी तरीके से कन्वोल्यूशन जो है हम कॉटन फाइबर में कन्वोल्यूशन होता है, कर्व होता है। तो मैच्योर फ्लैट एंड रिबन लाइक विथ कन्वोल्यूशन थिक वॉल एंड स्मॉल ल्यूमन। और जो है जब हमारा फाइबर मैच्योर होगा तो सेकेंडरी वॉल थिक होगी और ल्यूमन जो सेंटर में ल्यूमन होता है, ल्यूमन हमारा जो है स्मॉल होगा, एरिया ल्यूमन की कम होगी मैच्योर के केस में। तो हमारा फाइबर जो है कन्वोल्यूशन जो है रिबन लाइक कन्वोल्यूशन कन्वोल्यूशन दिखेगा, यानी फीते की तरह ट्विस्टेड दिखेगा। इमेच्योर, जब इमेच्योर फाइबर है उस केस में जो है हमारी वॉल थिन होगी और जो है कन्वोल्यूशन है वो जो है स्लाइटली कम अपीयर होगा। और डेड के केस में जो डेड फाइबर है तो हमारा जो है कन्वोल्यूशन बिल्कुल ही जो है कम अपीयर होता है या नहीं होता है। मर्सराइज कॉटन, हम कॉटन को जब मर्सराइज कर देते हैं उस केस में हमारा जो है सिलिंड्रिकल शेप में हमारा जो फाइबर है रॉड लाइक दिखेगा। और जब हम क्रॉस सेक्शन देखते हैं फाइबर का, कॉटन का क्रॉस सेक्शनल व्यू देखते हैं तो क्रॉस सेक्शनल व्यू आपको कुछ इस तरीके से अपीयर होगा। इसको हम क्या कहेंगे, किडनी शेप। फाइबर हमारा किडनी शेप में या इलिप्टिकल शेप का है या वेरी थिन लाइक ए स्ट्रिप और नियरली राउंड और सर्कुलर शेप में जो है हमारा जो है ये फाइबर जो है अपीयर होते हैं। किडनी शेप, बीन शेप या किडनी शेप में हमारा जो है कॉटन फाइबर का क्रॉस सेक्शनल व्यू दिखेगा। यहाँ आप लैब में देख रहे हैं कि लैब में जो है हम जैसे आपको बताया कि कॉटन फाइबर की टेस्टिंग करने के लिए हम जो है स्लाइड लेते हैं, स्लाइड में जो है फाइबर को ग्लास जो है स्लाइड लेते हैं और ग्लास स्लाइड में फाइबर को जो हम स्ट्रेट करके और जो है यहाँ पे हम स्लाइड को रख करके फोकल लेंथ को हम जो है मेंटेन करते हैं, फोकल लेंथ को एडजस्ट करते हैं और एडजस्ट करके हम फाइबर की अपीयरेंस को क्लियरली देखते हैं। कई टाइम्स हम जो है माइक्रोस्कोप का उपयोग क्यों करते हैं कि जो है उसके जो अपीयरेंस है उसको कई टाइम्स जो है बढ़ा करके जो है मैग्नीफाई करके हम देखते हैं तो फाइबर जो है क्लियरली उसका व्यू जो है क्लियर हमें जो है अपीयर होता है, चाहे वो लॉन्गिट्यूडनल हो या क्रॉस सेक्शनल हो। तो हम इस माइक्रोस्कोप के हेल्प से फाइबर का जो है लॉन्गिट्यूडनल और क्रॉस सेक्शनल व्यू लैब में चेक करते हैं। तो आइए, सिंपल टेस्ट है, आइए आगे बढ़ते हैं और अगले फाइबर को देखते हैं। लिलेन,
जो है दूसरा हमारा जो है वेजिटेबल फाइबर है। लॉन्गिट्यूडनल व्यू कैसा दिखेगा, ये लॉन्गिट्यूडनल व्यू आप देख रहे हैं स्मूथ एंड बंबू लाइक, कह रहा है कि स्मूथ होता है और बंबू लाइक जो है इसका जो है फाइबर का जो है बंबू आप देखते हैं बीच जो है कुछ ही दूर पे जो है गांठ गांठ जैसी होती है, तो स्मूथ एंड बंबू लाइक विथ क्रॉस मार्किंग नोट्स, उसको जो जो आपकी जो गांठे हैं उसको नोट्स कह रहा है। नो लेंथ वाइज सेरिटेशन नैरो लिमन, और इसमें जो है सेरिटेशन लेंथ वाइज कोई सेरिटेशन नहीं होता और ल्यूमेन जो है नैरो होती है, बीच में जो आपका जो ल्यूमेन की लेयर है वो जो है काफी पतली होती है। तो इस तरीके से हमारा जो है लिलेन दिखेगा लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में। क्रॉस सेक्शनल व्यू कैसा दिखता है, शार्प पॉलीगोनल शेप विथ स्ट्रेट साइड्स, जो है इस तरीके से शार्प पॉलीगोनल शेप दिखेगा। इमेच्योर ओवल शेप विथ ए लार्ज ल्यूमन, और जो है अगर इमेच्योर है तो जो है ल्यूमन की एरिया जो है बढ़ जाती है, और इमेच्योर ओवल शेप विथ लार्ज ल्यूमन। अगला फाइबर देखते हैं हेम्प। हेम्प का लॉन्गिट्यूडनल व्यू हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो कैसा दिखेगा, कुछ इस तरीके से अपीयर होगा हेम्प का लॉन्गिट्यूडनल व्यू। स्मूथ एंड सिलेंड्रिकल विथ क्रॉस मार्किंग नोट्स, नो लेंथ वाइज सेरिटेशन ब्रॉड ल्यूमेन, कह रहे कि लेंथ वाइज सेरिटेशन जो है नहीं होता और आपका स्मूथ एंड सिलेंड्रिकल, स्मूथ और सिलेंड्रिकल दिखता है। क्रॉस जो अगर इसका जो हम हेम का क्रॉस सेक्शनल व्यू देखते हैं कुछ इस तरीके से अपीयर होगा जो आप देख रहे हैं। पार्सली पॉलीगोनल, ये जो है पार्सली पॉलीगोनल आपको हेम्प जो है अपीयर होएगा। अगला फाइबर देखते हैं जूट का, अगर हम माइक्रोस्कोपिक टेस्ट करते हैं तो लॉन्गिट्यूडनल व्यू हमें कुछ इस तरीके से अपीयर होता है जूट का। सिलेंड्रिकल विथ अनइवन डायमीटर, सिलेंड्रिकल शेप में दिखेगा, लॉन्गिट्यूडनल भी अनइवन डायमीटर, यानी डायमीटर कहीं कम होगा कहीं ज्यादा होगा इस तरीके से। ल्यूमन इज ब्रॉड एंड वेरीज जेंटली, कह रहे कि ये जो ल्यूमन पोर्शन बीच में आप ल्यूमन होता है जो ल्यूमन है, कह रहे कि ब्रॉड एंड वेरीज ग्रेटली, इसका ल्यूमन में वेरिएशन जो है काफी इसमें दिखेगा आपको। तो इस तरीके से हमारा लॉन्गिट्यूडनल व्यू जूट का। क्रॉस सेक्शनल व्यू अगर हम जूट का देखते हैं फाइबर को कट करके क्रॉस सेक्शनल व्यू देखते हैं तो राउंडेड पॉलीगोनल विद सेंट्रल ल्यूमन, कह रहा है कि इस बीच में जो है सेंटर में ल्यूमन होती है और शेप कैसा दिखता है, राउंडेड पॉलीगोनल विद सेंट्रल ल्यूमन, राउंडेड और पॉलीगोनल शेप जो है हमें अपीयर होगा। तो ये हम कंफर्म करेंगे कि हमारा ये जूट फाइबर है माइक्रोस्कोपिक टेस्ट से। रेमी, रेमी को अगर हम देखते हैं तो माइक्रोस्कोप से तो लॉन्गिट्यूडनल व्यू कैसा दिखेगा, ये आप देख रहे हैं रेमी का जो है लॉन्गिट्यूडनल व्यू हम देखते हैं। इरेगुलर एंड ब्रॉड विथ क्रॉस मार्क इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूटेड, कह रहे कि इरेगुलर शेप दिखेगा, इरेगुलर एंड ब्रॉड विथ क्रॉस मार्क, और क्रॉस मार्क इसमें जो है अधिक से अधिक जो है इसमें क्रॉस मार्क दिखते हैं। क्रॉस मार्क इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूटेड, और ये इनका इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और अगर इसको हम क्रॉस सेक्शनल व्यू देखें तो हम रेमी का तो ओब्लॉन्ग जो है लंबाई में जो है जो आपका रेक्टेंगल जो शेप है, रेक्टेंगल शेप में जो लंबाई जो है एक तरफ लंबा जो है ज्यादा दिखेगा। तो ये हमारा रेमी इस तरीके से माइक्रोस्कोपिक टेस्ट से हम इसका टेस्ट करते हैं। अब हम चलते हैं नेचुरल फाइबर में, एनिमल फाइबर जो है नेचुरल फाइबर में एनिमल फाइबर्स को हम चेक करते हैं। एनिमल फाइबर में हम पहला फाइबर लेते हैं उल फाइबर। उल फाइबर की हम टेस्टिंग करते हैं तो लॉन्गिट्यूडनल व्यू देखेंगे, हम उल का लॉन्गिट्यूडनल व्यू देखेंगे। काफी जो है ये व्यू आपको जो है उल में जो है दिखेगा, और इस तरीके से सेरेटेड जो सरफेस है वो इरेगुलर जो है सेरेटेड स्केल्स आपको दिखे इस इरेगुलर। यहाँ हम उल का लॉन्गिट्यूडनल व्यू देख रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल व्यू हमें जो है स्केल्स जो इसकी सरफेस है वो जो है स्केल्स दिखेंगी यहाँ पे देखते हैं। सिलेंड्रिकल जो है हमारा लॉन्गिट्यूडनल व्यू कैसा दिखेगा, सिलेंड्रिकल इरेगुलर रफ सरफेस, इरेगुलर रफ सरफेस दिखेगी। स्केल्स लाइक स्ट्रक्चर, स्केल्स लाइक ये जो है स्केल्स लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा। डार्क मेडुला में अपीयर ऑन क्रॉस कोर्स उल फाइबर, और जो है मेडुला जो है कोर्स उल फाइबर में जो है डार्क शेप का दिखेगा। क्रॉस सेक्शनल व्यू अगर हम देखते हैं तो उल का क्रॉस सेक्शनल व्यू नियरली राउंड आर सर्कुलर, कह रहे कि जो है क्रॉस सेक्शनल व्यू नियरली राउंड आर सर्कुलर, मेडुला में अपीयर, और जगह जगह पे मेडुला जो है अपीयर होता है।
ये उल फाइबर है, काफी जो है इसका स्ट्रक्चर अलग होता है और इसको उल फाइबर को हम आसानी से पहचान सकते हैं। सिल्क सिल्क फाइबर को हम देखते हैं, लॉन्गिट्यूडनल व्यू हमारा कैसा दिखता है सिल्क फाइबर का माइक्रोस्कोप से, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल व्यू। स्मूथ सरफेस स्ट्रक्चर लेस, कह रहे कि सरफेस हमारी स्मूथ होगी, स्ट्रक्चर लेस, कोई स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं हो रहा। ट्रायंगुलर शेप ट्रांसपेरेंट रॉड, और जो है ट्रायंगुलर शेप ट्रांसपेरेंट रॉड की तरह दिखता है। वाइल्ड सिल्क और ट्रेसर सिल्क बॉर्डर फाइबर विथ फाइन लॉन्गिट्यूडनल लाइंस पासिंग अक्रॉस फिलामेंट जो है, और जो लॉन्गिट्यूडनल लाइन है वो फिलामेंट लॉन्गिट्यूडनल लाइंस पासिंग अक्रॉस फिलामेंट, जो हमारा सिल्क है, सिल्क को आप जैसा जानते हैं कि फिलामेंट और स्टेपल फाइबर दोनों में मिलता है, तो जो है लाइन है वो लॉन्गिट्यूडनल लाइन पासिंग अक्रॉस फिलामेंट, लाइन जो है लॉन्गिट्यूडनल लाइन फिलामेंट के जो है डायरेक्शन में रहती है। और यहाँ पे हम क्रॉस सेक्शनल व्यू देखते हैं सिल्क का, तो सिल्क का जो है आप ये क्रॉस सेक्शनल व्यू देख रहे हैं, ट्रायंगुलर शेप, ये जो है ट्रायंगुलर शेप में दिखेगा, राउंडेड कॉर्नर में ट्रायंगुलर शेप में आपको जो है क्रॉस सेक्शनल व्यू दिखता है। आगे बढ़ते हैं, मैनमेड फाइबर में हम देखते हैं, मैनमेड फाइबर को हम माइक्रोस्कोपिक टेस्ट करते हैं। यहाँ पे हम पहला फाइबर लेते हैं विस्कोस रेयन, विस्कोस रेयन का लॉन्गिट्यूडनल व्यू देखते हैं, तो कैसा दिखता है आप ये जो है देख रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल व्यू, नॉर्मली नॉर्मल टाइप फेयरली डेंस लॉन्गिट्यूडनल स्टेरिएशन आर फाइन लाइन स्पेशली टाइप मे बी स्मूथ स्ट्रक्चरलेस, और जनरली जो है ये कह रहा है कि स्मूथ और स्ट्रक्चरलेस अपीयरेंस होता है। क्रॉस सेक्शनल व्यू हम देखते हैं, तो क्रॉस सेक्शनल व्यू इरेगुलर विथ ए सेरेटेड आउटलाइन, इरेगुलर विथ सेरेटेड आउटलाइन के साथ, यानी आप ये देख रहे हैं जो आउटलाइन है सेरेटेड आउटलाइन है, ओवल आर राउंड शेप में जो हमारा दिखेगा ये क्रॉस सेक्शनल व्यू विस्कोस रेयन का। एसिटेट फाइबर को अगर हम देखते हैं तो लॉन्गिट्यूडनल व्यू कैसा दिखता है, यूनिफॉर्म विथ ए विथ ए फ्यू डिस्टिंक्ट लॉन्गिट्यूडनल सेरिटेशन, कह रहे कि यूनिफॉर्म इन विथ चौड़ाई में जो है यूनिफॉर्म विथ ए फ्यू डिस्टिंक्ट लॉन्गिट्यूडनल सेरिटेशन, और कुछ सेरिटेशन के साथ आपका लॉन्गिट्यूडनल व्यू दिखता है। क्रॉस सेक्शनल व्यू हम देखते हैं सेलुलोजिस्टेट का, तो इरेगुलर विथ सेरेटेड आउटलाइन, इरेगुलर विथ सेरेटेड आउटलाइन, ये आपका इरेगुलर सेरेटेड आउटलाइन के साथ आपका क्रॉस सेक्शनल व्यू दिखता है। एक्रेलिक फाइबर को हम देखते हैं, एक्रेलिक फाइबर लॉन्गिट्यूडनल व्यू हम देखते हैं, तो आप इस तरीके से दिखता है, स्मूथ सरफेस यूनिफॉर्म डायमीटर, सरफेस हमारी स्मूथ दिखेगी, यूनिफॉर्म डायमीटर दिखेगा, रॉड लाइक बिल्कुल स्ट्रेट रॉड लाइक अपीयर होगा, सम टाइम्स विथ इरेगुलर स्पेस्ड स्टेरिएशन, तो इस तरीके से हमारा लॉन्गिट्यूडनल व्यू दिखता है। क्रॉस सेक्शनल व्यू राउंड और डम्बल शेप जो है, हम अगर एक्रेलिक का देखते हैं क्रॉस सेक्शनल व्यू, तो राउंड या डम्बल शेप में हमारा जो है क्रॉस सेक्शनल व्यू दिखेगा। पॉलिस्टर को हम देखते हैं माइक्रोस्कोप से, तो लॉन्गिट्यूडनल व्यू हमारा दिखेगा, स्ट्रक्चरलेस, कह रहा है कि कोई स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं होता, स्ट्रक्चरलेस, यूनिफॉर्म डायमीटर हमारा यूनिफॉर्म होगा, रॉड लाइक अपीयरेंस, और बिल्कुल स्ट्रेट रॉड लाइक हमारा फाइबर दिखता है। अगर क्रॉस सेक्शनल व्यू देखते हैं तो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन हमें दिखता है पॉलिस्टर फाइबर का। नाइलॉन फाइबर, नाइलॉन का लॉन्गिट्यूडनल व्यू हम देखते हैं, स्ट्रक्चर लेस यूनिफॉर्म डायमीटर रॉड लाइक अपीयरेंस ट्राइलोबल लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, कह रहा है कि यहाँ पे जो है स्ट्रक्चर जनरली स्ट्रक्चर लेस दिखता है, ट्राइलोबल लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन जो है अपीयर होता है नाइलॉन फाइबर का। और क्रॉस सेक्शनल व्यू देखते हैं तो ट्राइलोबल शेप में, क्रॉस सेक्शन जो है ट्राइलोबल शेप में हमें अपीयर होता है नाइलॉन फाइबर का। इस तरीके से मैं समझता हूँ कि माइक्रोस्कोप के हेल्प से जो है फाइबर की पहचान, फाइबर को हम माइक्रोस्कोप से लॉन्गिट्यूडनल और क्रॉस सेक्शनल व्यू को देख करके आसानी से पहचान सकते हैं। तो आप अलग अलग फाइबर का जो है लॉन्गिट्यूडनल और क्रॉस सेक्शनल व्यू देखा, और इस मेथड को मैं समझता हूँ कि आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। थैंक यू।